हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड बिकम ह्यूमन का एपिसोड नंबर 161। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुसेंग कह रहा था, मुझे दुख इस बात का है कि बिना किसी कारण के हमारे क्लैन मेंबर्स काफी बुरी तरह से मारे गए यहाँ पे। ये सुन के वो दूसरा फॉक्स डिमन कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, ये आपकी गलती नहीं है, आपको सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो आपका शुक्रिया करना चाहिए, आपने प्रेसिडेंट के अचानक हुए पागलपन को कंट्रोल कर लिया समय रहते, वरना यहाँ पे और भी सारे क्लैन मेंबर्स मारे जाते बिना किसी कारण के। फिर वुसेंग कहता है, बाय द वे, तुमने लिटिल फॉक्स डिमन को लेटर सेंड कर दिया है ना? ये सुनके वो दूसरा फॉक्स डिमन कहता है, हाँ मैंने लिटिल फॉक्स डिमन को लेटर सेंड कर दिया है, वो जल्दी यहाँ पे आती ही होंगी। वो इतना कहता है कि तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे यंगचेन और लिटिल फॉक्स डिमन बहुत ही तेजी से आ रहे होते हैं, और बस कुछ ही समय में वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और लिटिल फॉक्स डिमन को देख के वुसेंग कहता है, लिटिल फॉक्स डिमन, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गई। और लिटिल फॉक्स डिमन वहाँ पे आते ही वुसेंग से कहती है, डैड आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, ग्रैंडफादर अचानक ऐसे कैसे पागल हो सकते हैं, अभी तो सिर्फ आधा साल ही हुआ है। ये सुन के वुसेंग कहता है, एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, और इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि इतनी जल्दी उन्हें ऐसा होने लगेगा, इसलिए लिटिल फॉक्स डिमन अब से एसोसिएशन को तुम्हें ही मैनेज करना होगा, तुम्हें ही संभालना होगा, और मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को किसी भी कीमत पर ठीक करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ हमें यंगचेन को दिखाया जाता है जो लिटिल फॉक्स डिमन के ग्रैंडफादर को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, प्रेसिडेंट के बॉडी के अंदर से मुझे टैलिस्मान का ऑरा फील हो रहा है, ये कोई डिसीज या बीमारी नहीं है, प्रेसिडेंट के बॉडी के अंदर किसी ने जानबूझ के टैलिस्मान को फिट किया है। यंगचेन प्रेसिडेंट को देख के ये सब सोच ही रहा था कि तभी वुसेंग यंगचेन को देख के कहते हैं, आखिरकार ये इंसान कौन है। ये सुन के लिटिल फॉक्स डिमन यंगचेन को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही होती है, डैड इसका नाम यंगचेन है और मैंने इसको इनवाइट किया है ग्रैंडफादर को ठीक करने के लिए। लिटिल फॉक्स डिमन की ये बात सुन के वुसेंग कहता है, क्या तुम बकवास कर रही हो, ये छोटा सा लड़का इतनी छोटी सी उम्र में मेडिकल नॉलेज भी रखता होगा क्या, मुझे तो लगता है ये तुम्हारे ग्रैंडफादर को ठीक करने के बजाय उनकी हालत और खराब कर देगा। ये सुन के यंगचेन कहता है, मेडिकल स्किल के बारे में सीखने के लिए किसी भी उम्र की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी एज में मेडिकल स्किल्स को सीख सकता है, और तुम उसके एज को देख के उसके मेडिकल स्किल का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। यंगचेन इतना कहता है कि तभी यंगचेन के पीछे से एक बंदा आता, कहता है, तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो, तुम कितने ज्यादा घमंडी बन रहे हो, तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि तुम हमारी डिमन रेस से भी मेडिकल स्किल में आगे हो। उस बंदे की बातें सुन के लिटिल फॉक्स डिमन पीछे घूमती और कहती, चैन पेंग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के वुसेंग लिटिल फॉक्स डिमन को पता था, इसको मैंने यहाँ पे इन्वाइट किया है, ये एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और इसके मास्टर तो इससे भी बड़े डॉक्टर है, वो एम्परर का भी इलाज कर चुके हैं, इसलिए मैंने इनको बुलाया, शायद ये तुम्हारे ग्रैंडफादर को ठीक कर सके। फिर चैंगपेंग लिटिल फॉक्स डिमन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को पूरी तरह से हील कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। फिर चैंगपेंग पीछे मुड़ता है और यंगचेन को देख के कहता है, और बात रही इस घमंडी इंसान की, तो मैंने इसका नाम कभी भी मेडिकल वर्ल्ड में नहीं सुना है, ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ इसको, इसलिए इसके हाथ में ग्रैंडफादर की लाइफ नहीं दे सकता हूँ, मैं ग्रैंडफादर को मैं ही ठीक करूंगा। चैंगपेंग की बात सुनकर लिटिल फॉक्स डिमन सोच में पड़ जाती है, वो अपने मन में सोच रही थी, चैंगपेंग भले ही काफी ज्यादा परेशान करता है मुझे, लेकिन उसकी मेडिकल स्किल सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल और अच्छी है। यही सोचने के साथ लिटिल फॉक्स डिमन यंगचेन से कहती है, यंगचेन चैंगपेंग एक स्टेट लॉर्ड है, इसलिए वो बहुत रेयरली किसी आउटसाइड वाले की मदद करता है, इसलिए तुम उसे फर्स्ट ट्राई करने दो। ये सुनकर यंगचेन कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। यही कहने के साथ वो लोग वहां से ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए जाने लगते हैं और यंगचेन उनके पीछे चलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, भले ही वो इंसान कुछ भी गड़बड़ कर ले, मैं यहाँ पे हूँ इसलिए मैं प्रेसिडेंट को मरने नहीं दूंगा, इसलिए उसे फर्स्ट ट्राई करने देना चाहिए, और वो प्रेसिडेंट को जब तक ठीक करने की कोशिश करेगा तब तक मैं प्रेसिडेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लूंगा। फिर हमें चैंगपेंग को दिखाया जाता है जो चलते हुए अपने मन में सोच रहा था, जब मैं इस ओल्ड मैन को ठीक कर लूंगा तो मैं लिटिल फॉक्स डिमन से खुद से शादी करने को कहूंगा, और मैंने उसके ग्रैंडफादर को ठीक किया रहेगा तो उसके ऊपर मेरा एक कर्ज रहेगा, तो वो मना भी नहीं कर पाएगी। लिटिल फॉक्स डिमन तुम मेरी हो, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती हो, अगर ये लिटिल फॉक्स डिमन के लिए नहीं होता तो मैं इस पागल बूढ़े इंसान को ठीक करने के लिए कभी नहीं मानता, मैं कभी यहाँ पे नहीं आता इस पागल इंसान को ठीक करने के लिए। इस सोचने के साथ चैंगपेंग अपने पास से 5 नीडल निकाल लेता और प्रेसिडेंट को देख के कहता है, प्रेसिडेंट इसमें आपको काफी ज्यादा दर्द होने वाला है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। यही कहने के साथ उन 5 नीडल को प्रेसिडेंट की तरफ फेंक देता और उनका नाम टैनजांग स्क्रिप्चर 5 नीडल होता है। तो 5 नीडल सीधे जाके प्रेसिडेंट के सर पे लगता है, जिसके कारण प्रेसिडेंट एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है, लेकिन फिर वो नीडल धीरे धीरे अपना काम करना चालू कर देता है, वो प्रेसिडेंट को शांत करना चालू कर देता है, उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होती है जिसके कारण प्रेसिडेंट शांत हो रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ देता है उन नीडल्स में से एनर्जी निकल रही होती है जिसके कारण प्रेसिडेंट वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, जिसे देख के लिटिल फॉक्स डिमन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चैंगपेंग से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, अब मेरे ग्रैंडफादर शांत हो गए हैं। ये सुन के चैंगपेंग कहता है, तुम्हें मेरा थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, मैंने ग्रैंडफादर के डिसीज को बस सप्रेस कर दिया है। इसी चैंगपेंग लिटिल फॉक्स डिमन के सामने शो ऑफ करने लगता है, जिसे देख के यंगचेन कहता है, इस लड़के के अंदर सच में कुछ तो टैलेंट और स्किल्स हैं, लेकिन ये कितनी बुरी बात है, इस लड़के का टैनजांग नीडल टेक्निक अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये कुछ ही देर तक प्रेसिडेंट को सप्रेस करके रख सकता है, मुझे डर प्रेसिडेंट फिर से जाग जाएंगे और ये पहले से भी ज्यादा गुस्सा और पागल हो जाएंगे। फिर हमें वुसेंग को दिखाया जाता है जो चैंगपेंग पास आके उसका थैंक यू कहते हैं और उसे कहते हैं, ये तो लेजेंडरी नीडल टेक्निक है, इतनी कम उम्र में इस टेक्निक को हासिल करना सच में काफी
बड़ी बात है, सच में काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। ये सुनकर चेंगपेंग फिर से शो ऑफ करने लगता है। वो कहता है इस नीडल टेक्निक में अभी तक सिर्फ तीन ही लोगों ने महारत हासिल कर ली है और तीन लोगों में से मैं भी एक इंसान हूँ, और मेरे मास्टर ने जब मुझे इस नीडल टेक्निक को सिखाया था तो मैंने बस दो ही महीने में इस नीडल टेक्निक को मास्टर कर लिया था। वो दोनों आपस में ऐसे ही बात कर ही रहे होते तभी यंगचेन उन दोनों से कहता है तुम लोग को इतना जल्दी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को वार्निंग दे दूं जितना जल्दी हो सके प्रेसिडेंट से दूर हो जाओ वरना तुम लोग इंजर्ड हो सकते हो। ये सुनकर चेंगपेंग पीछे मुड़ के कहते हैं आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर लिटिल फॉक्स डिमन भी यंगचेन से पूछे तुम क्या कह रहे हो, मेरे दादाजी तो अब शांत हो गए, अब क्या खतरा हो सकता है। फिर चेंगपेंग लिटिल फॉक्स डिमन से कहता लगता है कि ये जलन के कारण पागल हो गया इसलिए कुछ भी बकवास कर रहा है, इसने देख लिया कि मेरी स्किल्स के सामने इसकी स्किल कोई भी काम की नहीं है इसलिए तुम्हारा फालतू का अटेंशन चाहता है ये। चेंगपेंग इतना कहता है कि तभी उसके मुंह पे आके एक पानी का ड्रॉप गिरता है जिसे देख के कहता है आखिरकार पानी का ड्रॉप मेरे मुंह पे कहां से आके गिरा। यही कहने के साथ वो तीनों ही लोग जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते आखिरकार ये क्या है, हमें दिखाया जाता प्रेसिडेंट फिर से होश में आ गए होते, जाग गए होते और वो पहले से भी ज्यादा खूंखार और बड़े लग रहे होते हैं, और प्रेसिडेंट जागते ही अपनी पावर का यूज करके जिन चेन में वो बंधे हुए होते हैं उसे पूरी तरह से तोड़ देते हैं जिसके कारण वहां काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो तीनों ही लोग उस एनर्जी के कारण दूर फेंका जाते हैं। और दूर फेंकाने के बाद लिटिल फॉक्स डिमन अपने ग्रैंडफादर को देखते हुए कहे थी आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे ग्रैंडफादर फिर से कैसे पागल हो गए, और सिर्फ पागल ही नहीं हुए वो पहले से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो गए हैं। फिर वुसेंग कहता है मुझे डर है कि अब मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का सामना नहीं कर सकता, वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो गए हैं और मैं पहले से ही इंटरनल इंजरी से सफर कर रहा हूँ इसलिए मैं उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता हूँ अभी। वुसेंग के इतना कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, और प्रेसिडेंट को अपनी तरफ ऐसे आते हुए देख के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं जल्दी से यहाँ से भागो, प्रेसिडेंट अपनी चेन तोड़ ली, अपनी जान बचानी तो यहाँ से भागो। फिर हमें चेंगपिंग को दिखाया जाता है जो इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता और कह रहा होता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अपनी टेक्निक का यूज करके उसको शांत कर दिया था, क्या अब मैं यहीं पे मारा जाऊंगा, प्लीज कोई आके मेरी मदद करो, कोई मुझे बचा लो। इसी के साथ हमें यंगचेन को दिखाया जाता है जो ये सब देख के अपने मन में सोच रहा था जैसे कि मुझे उम्मीद थी उसकी टियानजांग स्क्रिप्चर आर्ट अभी तक पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है, इसके बावजूद भी उसने अपनी टेक्निक का यूज प्रेसिडेंट पे किया जिसके कारण ये परिणाम निकल के आ रहा है। अब यंगचेन के इतना कहने के साथ ही हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं, और रिलीज करने के बाद जल्दी से जंप लगाते हैं और लिटिल फॉक्स डिमन और चेंगपेंग पे अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। ये देख के वुसेंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो कहते हैं लिटिल फॉक्स डिमन जल्दी से वहां से उठ के भागो, लेकिन लिटिल फॉक्स डिमन काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी चेंगपेंग लिटिल फॉक्स डिमन को आगे कर देता है और कहता है मुझे मत मारो, इस लड़की को मार दो तुम। इसी के साथ हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, और प्रेसिडेंट का पंजा लिटिल फॉक्स डिमन के काफी करीब पहुंच गया होता है जिसे देख के वुसेंग कहता है वो नो अब काफी लेट हो गया है, अब लिटिल डिमन के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया, वो इस हमले से नहीं बच सकती है। अब जैसे ही प्रेसिडेंट का हमला लिटिल फॉक्स डिमन को लगने ही वाला होता है लिटिल फॉक्स डिमन के सामने यंगचेन आ जाता है उसे बचाने के लिए, और अपनी पावर का यूज करके प्रेसिडेंट के मुंह पे एक बहुत ही ताकतवर पंच मार देता है जिसके कारण प्रेसिडेंट सीधे उड़ते हुए पीछे जाकर पिलर में टकराते हैं और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। तो ये देख के तो वुसेंग और लिटिल फॉक्स डिमन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वुसेंग लिटिल फॉक्स डिमन के पास जाता है और लिटिल फॉक्स डिमन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, ये सुनकर लिटिल फॉक्स डिमन कहती हाँ फादर मैं ठीक हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लिटिल फॉक्स डिमन इतना कहते ही कि तभी लिटिल फॉक्स डिमन के पास चेंगपेंग आता और कहता है मुझे काफी ज्यादा खुशी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें अपने सामने ला दिया था, वो काफी ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन थी और मैं काफी ज्यादा डर भी गया था। ये सुनकर लिटिल फॉक्स डिमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है चेंगपेंग तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता चला कि तुमने जानबूझ के मुझे अपने सामने कर दिया था, अभी यहाँ पे यंगचेन नहीं होता, उसने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं पहले यहाँ पे मारी गई होती। ये सुनकर चेंगपेंग थोड़ा सा घबरा जाता है, वो कहता है लिटिल फॉक्स डिमन तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर चेंगपेंग खुद को बचाने के लिए यंगचेंग की तरफ उंगली दिखाकर कहने लगता है मुझे पता है इन सबका जिम्मेदार ये यंगचेन है, हमारे ग्रैंडफादर फिर से पागल हो गए, उन्होंने अपनी चेन को तोड़ लिया, मुझे लगता है कि सबका कारण यंगचेन है, उसने ही सीक्रेट तरीके से कुछ ना कुछ किया है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नहीं है फिर भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।